ली लो, दिखा दो मुंगेरी लाल को। अब विधायकी के टिकट का सपना देखना छोड़ दे। क्या हो गया? लो, इस बार भी टिकट किसी और को मिल गया। जिन लोग के पास पैसे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और तुम जैसे लोग पार्टी के लिए बस दुम हिलाते रहेंगे। अरे बीरेंद्र बाबू नमस्ते। उस आला अपराधी 2 महीने पहले तक विपक्षी पार्टी का लड़का होता था और आज उसी को टिकट। आप तो इंद्र देवता की तरह और हम ही पे बरस गए। तनिक बैठिए तो। कहाँ बैठे हैं? नहीं बैठना है हमें। अरे साला उसूलों और आदर्शों का पाठ पढ़ के हम राजनीति से जुड़े थे कि समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। हमारा तो राज आपे के छत्र छाया में चल रहा है। आपसे सब भली भांति जानते ही हैं। आपसे एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, आप चाहे जिसको क्षेत्र में सीट दीजिए, माधवपुर के लिए। जानता हूं आप वीरेंद्र भाई के नाम को ही प्रस्तावित करेंगे ना। वीरेंद्र भाई से अच्छा कैंडिडेट इस पार्टी में और कोई हो नहीं सकता सर। और वीरेंद्र बाबू कैसे हैं ये तो आप भली भांति जानते हैं। उनके हाथ में एक तो डंडी पकड़ा दीजिए तो जमीने पे माधवपुर का नक्शा बना देंगे और कौन क्षेत्र कौन से समस्या से ग्रसित है वो तक बता देंगे आपको। सर हमें लगता है ई सही मौका है सर, वीरेंद्र भाई को टिकट मिलना ही चाहिए। बहुत जुझारू आदमी है सर। लेकिन माधवपुर विधानसभा से उम्मीदवार करीब करीब फाइनल हो चुका है। किसका नाम फाइनल किए हैं? हरिहर बाबा। वो हरिहर का नाम आप फाइनल कर दिए? सर वो 2 महीना पहले पार्टी से जुड़ा है। वो माधवपुर को ढंग से ईहो नहीं पता होगा कि पार्टी कैसा है और उसको वीरेंद्र बाबू से अच्छा कैंडिडेट मानते हैं आप। सर ऊपर 2-3 केस चल रहा है, इसे तो आप भी भली भांति वाकिफ हैं। केस चल रहा है ना, अभी अपराध साबित तो नहीं हुआ ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बड़ा राजनीति खेलते हैं सर। यहाँ सारा पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के लिए रात दिन नहीं कर दे सर, और जब उसका टिकट देने का बारी आता है तो किसी बम्बैया फेस को, किसी बाहुबली को या किसी साले करोड़पति को लाके उसके सर पे बैठा देते हैं आप। सही नहीं है सर, एकदम सही नहीं है सर। जो 2 महीना पहले पार्टी से जुड़ा है उसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में क्या पता होगा सर? जिसे हमारा पार्टी का वर्ण व्यवस्था तक ढंग से नहीं पता होगा आप उसे सीधा पुरोहिती बना दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है उसने बहुत काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना पैसा भी है कि वो अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सके। और पार्टी कहाँ तक पैसा दे? पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि दूसरी पार्टी के करोड़पति उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार पर भी दाव लगा दे। पैसे ही कमा के टिकट मिलना था तो बता दिए होते सर। भड़ौती नाच वाले थे सालों से हम, भड़ौती नाच के पैसा कमाते, पैसा लाते, टिकट खरीद लेते। पार्टी कार्यकर्ता इधर पार्टी के लिए रात दिन एक कर रहा है सर, वो पैसा कहाँ से कमाएगा? देखिए पांडे जी, चुनाव एक युद्ध है और युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, जज्बातों से राजनीति नहीं होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जमीनी कार्यकर्ता आगे बढ़ें, ईमानदार और लोगों की भलाई करने वाले, लोगों से जुड़ने वाले लोग पार्टी से जुड़ें। हाँ सर जुड़ें, ताकि उनकी मेहनत की कीमत पे किसी 4 दिन पहले आए करोड़पति को आप पार्टी का टिकट दे दें। चुनाव लड़ने के लिए प्रचार के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और सुनिए एक हकीकत बता देता हूँ मैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है वो इसके बारे में सोचे भी नहीं। इसीलिए नीतियाँ अमीरों के हिसाब से बनती हैं सर, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, बहुमत के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, और चुनाव तो बिना पैसे के जीत ही नहीं सकते आप। और जो चुनाव में पैसा इन्वेस्ट करेगा वो पहले अपना मुनाफा वसूलेगा, जनता की सेवा करेगा सर। आपको क्या लगता है कि मैंने वीरेंद्र भाई का नाम का प्रस्ताव नहीं किया था? पांडे जी सब कुछ हाई कमान से,
दिल्ली से डिसाइड होता है, समझे? और आपको पता होना चाहिए दिल्ली में किस आधार पर निर्णय लिया जाता है। समाज के रचनात्मक कार्यों को छोड़कर तुम राजनीति की दलदल में फंसना चाहते हो। अब राजनीति में सारे भ्रष्ट लोग आ जाएंगे तो देश का क्या होगा? देश की तो लुटिया डूब जाएगी ना, तो अच्छे लोग भी आने चाहिए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। बहुत से लोग आए थे, सब लोग यही सोच कर आए थे कि सब कुछ तो बदल देंगे, लेकिन बदल खुद के इतिहास का भाई। अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए काका। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वीरेंद्र साहब, भगवान तुम्हें सर्वबुद्धि दे। और बताओ, सब ठीक ठाक तो है? सब बढ़िया। घर पर सब कैसा है? बिटिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? माई बापू कैसे हैं? सब आपकी दुआ है। और तुम्हारी पार्टी? पार्टी कुछ नहीं काका, जो और पार्टियों का हाल है वो इस पार्टी का भी हाल है। बड़ी उम्मीद लेके लोग इस पार्टी के साथ आते थे, पूरी राजनीति पैसे का खेल बनकर रह गया है। देखो बेटा, किसी भी नेता को यूं ही गरिया देना, उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर देना बड़ा आसान होता है। लेकिन मालूम है समस्या क्या है? समस्या है हमारी चुनावी प्रक्रिया की। हमारे अच्छे अच्छे नेता जो बड़े पूरे जज्बे के साथ आते हैं, बड़ा अच्छे सोच के साथ आते हैं, बड़ी अच्छी नीयत के साथ आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो उसी सांचे में ढक जाते हैं जिसमें कि वो ढलना नहीं चाहते। समझे क्यों? क्योंकि सत्ता के लिए पूंजी, फिर पूंजी से सत्ता, और फिर सत्ता से पूंजी बनाना, समझे? जब तक असल समस्या को हम खत्म नहीं करेंगे, असल बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। पूछना कभी उनसे कितना अच्छा जज्बा और जोश लेकर के वो राजनेता बनने के लिए आए थे, पार्टी में आए थे। क्या कर रहे हैं आजकल? ए चचा, चार ठो चाय बना दीजिए। बाबू साहब, पार्टी अब की बार किसको टिकट देगी? कायदे से देखें तो वीरेंद्र भाई के टिकट मिले के तो चाहे, बाकी राजनीति है। सुकनी का पासा किधर कब पलट जाए, इतना साला पांडवों को पता नहीं था। भाई हमें कोनो दूर आए नहीं है कि वीरेंद्र बाबू से अच्छा उम्मीदवार अब की पार्टी में एरिया में क्यों है ही नहीं है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रणाम चौधरी साहब। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ कैसे? जिला कमेटी की मीटिंग में आइएगा क्या? जिले में आप जैसे कार्यकर्ता हों तो हमें चिंता की क्या जरूरत है? हम तो भीखमपुरा आए थे, सोचा रास्ते में आपका एरिया पड़ता है, थोड़ा मुआयना करते चले। चौधरी साहब, इस क्षेत्र की तो चिंता छोड़ी दीजिए आप, यहाँ पार्टी का ही हवा बह रहा है। आपने इस एरिया में पार्टी की जमीनी स्तर पर पहचान बनाने के लिए जी जान लगा दी है। आप लोगों के लिए काम भी करना चाहते हैं। इस इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए मैं आपके नाम का ही प्रस्ताव करूंगा, चिंता ना कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। पापा, स्कूल की फी कब तक जमा करना है? 2 महीने तक फी जमा नहीं किया है ना, तो मास्टर जी आपको बुलाए हैं। बेटा, आज जरूरी काम है, अब फीस के लिए हम बाबूजी से बात कर रहे हैं ना। कब तक ऐसा चलेगा? एक एक चीज के लिए अम्मा बाबूजी के सामने हाथ फैलाते रहोगे? आपसे तो कोनू काम कहिए तो बस बिजी रहते हैं। घर परिवार को लेकर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? ब्याह किए इतने साल हो गए, बेटी इतनी बड़ी हो गई, चलो हमारे लिए ना सही, बच्चों के लिए कुछ जिम्मेदारी समझिए। और पार्टी के लिए सब काम छोड़ के इतने सालों से लगे हुए हो, कहाँ मिला? हो गया तुम्हारा भाषण? अरे ठीक ही तो कह रही है बहुरिया, घर परिवार को भसारी झोंके कि तुम बड़का नेता बन जाओगे, हैं?
और कब तक बाप के पेंशन से यूं ही घर चलाओगे? और खेत बारी का कोनो भरोसा है का? अरे तुम घर का बड़का लड़का हो, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब तो हम कह देता हूँ, बाहर भीतर जाके पैसा कमाओ बस, बहुत हुआ समाज सेवा और ये पार्टी वार्टी। ये पार्टी वाले भी पैसा वालों को ही पूछते हैं, तुम्हारे जैसे लोग तो कोलू के बैल की तरह ही बने रहेंगे। बुरबक कहीं के तुमको यही नहीं समझ आ रहा है कि तेल पेरोगे तुम और पूरी छनेगा कहीं और। ये पार्टी और पार्टी की तरह नहीं है। इस बार जो हमने काम किया है ना, उसकी महक ऊपर तक चली गई है, और इस बार विधायकी का टिकट भी हमें ही मिलने वाला है। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है लोकसभा के चुनाव में 70 लाख, विधानसभा के चुनाव में 25 लाख खर्च कर सकते हो। मैंने जो इतना खर्च कर सकता है वही चुनाव में आए। तो ठीक है, छोड़ो सारी चीजों को, जाकर के नौकरी करो। कर क्या सकते हैं हम? अगर तुम चाहो तो मैं अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ। बताइए। चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों के व्यक्तिगत खर्चे पर रोक लगाए। कैसे? चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों को चुनाव की सामग्री उपलब्ध कराए और सभी उम्मीदवारों के लिए एक आम मंच बनवाए जिसपे कि सभी उम्मीदवार आए और अपनी अपनी बात जनता से कहें, तो उनके व्यक्तिगत खर्चे रुक जाएंगे, रोक लग जाएगी उसको। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत सभी के चुनाव एक साथ करा दिए जाए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से बहुत सारे पैसों की बर्बादी होती है, और हर वक्त अलग अलग चुनाव हो जाने के कारण राजनीतिक पार्टियां केवल चुनाव लड़ने में ही व्यस्त रहती हैं, विकास के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। समझ रहे ना मेरी बात को? तो सबसे अहम बात यह है कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं करती। तमाम पार्टी, तमाम कार्यकर्ता अपनी पार्टी की नीतियों को जानते ही नहीं है, और अगर कोई कार्यकर्ता के पास कोई अच्छी समझ है, कोई उसके पास एक अच्छा विचार है, तो वो अपने बड़े नेताओं तक पहुंचने ही नहीं पाता। इतनी बड़ी खाई है। एक साथ चुनाव होने से सभी राजनीतिक पार्टियों को समय भी मिलेगा ताकि वे अपने कार्यकर्ता को देख सकें, उनकी बात को सुन सकें। हर पार्टी एक निश्चित समय तक काम करने के बाद ही किसी को टिकट दे, उसके पास एक निश्चित अनुभव होना चाहिए। कम से कम 3 साल का अनुभव हो तो पंचायत का टिकट, 5 साल का अनुभव हो तो विधानसभा का टिकट, और 10 साल का अनुभव हो तो लोकसभा का टिकट। सही कह रहे हैं आप। 10 दिन पहले आदमी पार्टी से जुड़ते हैं और उन्हें यहाँ टिकट मिल जाता है, ना उन्हें क्षेत्र की समझ है ना पार्टी की। अरे भाई, आप कोई नौकरी करने के लिए जाते हो, उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेती हो कि नहीं लेती हो, कोई प्रशिक्षण लेती हो कि नहीं लेती हो, कोई इंटर्नशिप, कुछ तो होता है ना। लेकिन राजनीति क्या है, खेल है क्या? कोई भी आया, एक दिन आया, दूसरे दिन पार्टी ने उसको फटाफट टिकट दे दिया। काका, ये सुधार हो जाए तो तमाम भ्रष्ट और फालतू के नेता तो पहली राजनीति से दूर हो जाएंगे। और सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों के चुनाव चुनाव आयोग के किसी अधिकारी की देखरेख में होने चाहिए, और उनको ये भी देखना चाहिए कि पार्टियों ने अपने संविधान का पालन किया या नहीं किया। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इस सबसे तो चुनाव में फालतू के खर्चे पर रोक लग जाएगी। क्या भरोसा है कि ऐसे नियमों से चुनाव जीतने के बाद भी कोई भ्रष्ट बन जाए? इन सब के बाद भी अगर जरा से भी किसी भी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की गुंजाइश बचती है तो उसका भी एक प्रावधान है। चुनाव से पहले किसी नेता के पास जो भी चल और अचल संपत्ति हो उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग के पास हो। अचल संपत्ति की जितनी भी कीमत बढ़ी चुनाव के बाद वो उसकी, लेकिन अगर चल संपत्ति की कीमत बढ़ी तो वो सारी की सारी सरकारी संपत्ति मानी जाए। फिर तो कोई भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। काका, लेकिन इतना इसको लागू कैसे करवाया जा सकता है? चुनावी प्रक्रिया में इतने सुधार कैसे किए जा सकते हैं? वीरेंद्र साहब, तुम्हारे जैसे हर पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता अगर एक साथ एक मंच पर जुड़ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। किसी भी बदलाव के लिए एक संघर्ष और एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है। अगर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने भी तुम्हारी तरह से सोचा होता तो क्या होता? आता इस देश में लोकतंत्र नहीं? देश की सारी समस्याओं की जड़ में चुनावी प्रक्रिया है, और बदलाव के लिए चुनावी नीति में
बदलाव की लड़ाई तो तुमको लड़नी पड़ेगी। सही कह रहे हैं आप।